राधावल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधावल्लभ श्री हरिवंश राधाल्लभ श्रीहरिवंश वृन्दावनेश्वरी पदारविन्दम् प्रेमा रतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापय परम माश्रयामि निर्वापय परम माश्रयामि <coughs> राधा 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 Hey, ah. Ha! Uh -huh. चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद जो कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें एकाग्र बुद्धि से महत्व रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें अपनी निष्ठा बना लें तो इसी जन्म में समस्त दुख संकटों से निवृत्त होकर हम भगवत साक्षात्कार कर लें हम परम विश्राम पा जाएं हम अपने निज घर में पहुंच जाएं हमारे श्यामाश्याम प्राणाराध्य श्यामा श्याम का प्रीमहल वृंदावन और समस्त प्रेमी रसिक महानुभाव सहचरीगण ये हमारा परिवार है यही हमारा घर है हम माया के प्रवाह में बहकर नानात्व में फंस गए अपना पराया अच्छा बुरा दुख सुख लाभ हानि जन्म मृत्यु ये नानात्व में फंसने का फल हुआ अब हमको मनुष्य शरीर मिला है बहुत शीघ्र अपनी इंद्रियों को बाहर से अंतर्मुख करें मन को विषयों में सुख है ऐसी भावना हटाकर प्रभु के नाम में प्रभु के रूप में प्रभु की लीला में प्रभु के धाम में सुख है संसार में सुख जो है ऐसा लगता है वो भाषता है प्रभु में है त्रिकाल में नित्य सच्चिदानंद सुख है भटकना है तो भटक लो जब तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं होगा न तुम्हारा शरीर न तुम्हारा मित्र न परिवार का तब तुम्हें याद आएगी अपने घर की अपने प्रीतम की वो इंतजार कर रहे हैं आपका जिस दिन आप सब जगह से मन मोड़ करके और अपने प्रीतम प्रभु को हृदय से अपना मानकर पुकारोगे उसी समय माया का जो रचा हुआ अंधकार में कुहरा है ये हट जाएगा ज्ञान का भास्कर हृदय में प्रकाशित हो जाएगा हमारी दुर्दशा इसीलिए है कि अभी हमें अशरण होने की स्थिति नहीं प्राप्त हुई अभी हमारा बहुत कुछ है प्रभु की सच्ची शरणागति तो उसकी हृदय से होती है जो अशरण हो जाता है अशरण शरण अशरण अब कोई पूछने वाला नहीं जिसको देखो वो दुत्कार ही दे रहा है छल कपट ही कर रहा है अब मेरा तो प्रभु की शिवा कोई नहीं ये किसी महासौभाग्यशाली को प्राप्त होता है नहीं तो माया चंदोष कण जैसे सुखों को बिखेर कर हमारा पूरा जीवन अपने में आसक्त करके नष्ट कर देती है कोई विशिष्ट कृपा पात्र इन आसक्तियों के बंधन से अपने को छुड़ाकर या प्रभु की कृपा से छूटकर एकमात्र प्रभु का अनन्य चिंतन करते हुए प्रभु में तन्मय होकर प्रभु को प्राप्त हो जाता है कुछ ऐसे जन हैं जो सुख के लोभ से देवताओं की आराधना करते हैं प्रभु करुणा करके जो उपदेश कर रहे हैं उसे समझिए प्रभु हैं वो देवताओं के रूप में भी हैं। कोई प्रभु को देवताओं से ईर्ष्या नहीं है कि अब देवताओं की जो पूजा करते हैं प्रभु उनसे ईर्ष्या रखते हैं इसलिए कह रहे हैं तुम मेरी पूजा करो नहीं नहीं ये तो प्रभु का भजन करने वाले साधकों में नहीं रहती ईर्ष्या द्वेष कपट छल ये सब नहीं ये तो आसुरी संपदा है अहंकारी के हृदय में होते हैं सब जो ज्ञान संपन्न है उन महापुरुषों में नहीं होते फिर जिनकी कृपा कटाक्ष से ज्ञान होता है उन प्रभु को ईर्ष्या कैसे हो सकती है इसलिए भाव से श्रवण करें प्रभु क्या कह रहे हैं प्रभु कह रहे हैं देवता भक्ता यजंते विता ते पिमा कौंते जंत्य विधि पूर्वकम पीछे प्रभु ने बताया कि एक है कि अष्टांग योग से संपन्न होकर समाधि के द्वारा मेरा भजन करते हैं एक है एक ही भाव अद्वैत निष्ठा से ज्ञान के द्वारा मेरा भजन करते हैं एक है सब में भगवान का भाव करके सब की सेवा में अपने चित्त को जोड़ने की लालसा रखने वाले कर्मयोगी कर्म के कर्म द्वारा भगवान की उपासना करते हैं पर सबसे प्रिय जो भगवान को है वो भक्तजन है जो अन्य चिंतन त्याग कर एकमात्र प्रभु का भरोसा प्रभु का बल प्रभु की ही आश बस निरंतर भजन इनकी समानता में कोई नहीं है प्रभु बोले हैं कि हे उद्धव तुम्हारे जैसे मेरे अनन्य भक्त मुझको जैसा प्रिय हैं, वैसा भगवान शंकर भगवान बलराम जी लक्ष्मी जी और यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना अनन्य भक्त प्रिय है और प्रभु ऐसा भक्तों के चरित्र में दर्शन भी कराया है एकमात्र भगवान का आश्रय और उनका भजन वो भी किसी अन्य स्वार्थ कामना की पूर्ति नहीं भगवत प्रेम के लिए कुछ ऐसे होते हैं प्रभु कह रहे हैं, जो देवताओं का पूजन करते हैं देवताओं की पूजा वृत्ति से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं अमुक देवता में ऐसा करने से ऐसा प्राप्त हो जाएगा अमुक देवता को इतना तेल चढ़ाओ चढ़ाव मिल जाएगा ये ऐसे बहुत से शास्त्रीय सिद्धांतों में भी पाया जाता है कामना पूर्ति के लिए देवताओं का यजन करना तो जिनकी श्रद्धा जिस देवता पर होती है भगवान उसे वहीं पुष्ट करते हैं अब अगर थोड़ा भी अन्य होता तो भगवान उसकी श्रद्धा वहां क्यों पुष्ट करते हैं जहां भज रहे हो वहीं पुष्ट कर देते हैं पर भगवान कहते हैं उन देवताओं का जो पूजन करते हैं वो मेरे से उनको अलग मानकर पूजन करते हैं वो देवताओं में मेरा भाव नहीं रखते कि मेरे प्रभु ही रूपों में है ये बिना भाव किए अच्युत भावना विहीन हर कार्य शुभ और अशुभ की संज्ञा में आएगा और शुभ अशुभ कर्म मृत्यु कर, लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक या नीचे के लोग यही भ्रमण हो सकता है ना मोक्ष हो सकता है ना कल्याण हो सकता है ना भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है ध्यान दीजिए भगवत भावना विहीन बड़ा से बड़ा महान कर्म भी शुभ कर्म के अंतर्गत आएगा उपासना नहीं होगी उससे वासना नष्ट होकर भगवत प्राप्ति नहीं होगी चाहे जितना बड़ा कार्य हो जब तक हमारे हृदय में भगवत भावना नहीं है और भगवत भावना हो किसी की भी किसी की भी सेवा सोचो पाहन का टुकड़ा दे दिया पत्थर का और कहा यह तुम्हारे भगवान है भगवत भाव कर लिया तो उसमें ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर का अनुभव हुआ जब हम एक पाषाण में एक काष्ठ मूर्ति में एक चित्रांकित छवि में अपने प्रभु का भाव कर लेते तो हमें वहीं से भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो फिर देवता तो भगवान के स्वरूप है ही पर उसे भगवत साक्षात क्यों नहीं होता क्योंकि -क्यों भगवत भाव नहीं रखता मेरे प्रभु श्री हरि ही इन सब रूपों में है ऐसा भाव नहीं है वो नियमों के अनुसार जो कर्म बनता है उसका वो केवल फल देते हैं देवता अगर नियम में त्रुटि हो गई तो फिर फल की प्राप्ति नहीं होगी उसमें विघ्न पड़ जाएगा इसीलिए देवताओं की आराधना करने पर भी सफलता कम नजर आती है अगर नियम पूरा हो गया तो जो फल मिलेगा वो नाशवान होगा अविनाशी फल की प्राप्ति देवताजन नहीं करा सकते हां यदि भगवत भावना हो जाए तो हम कह रहे किसी भी जीव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी किसी भी जीव से भगवत अच्युत भावना भी जैसे माता पिता मेरे भगवान ही हैं ऐसा मानकर आप सेवा करो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी बस जैसे अष्टयाम हम हम लाल, लाल- की सेवा करते हैं आठों पहर आप अपने माता पिता की सेवा में कैसे सुख पहुंचाऊं कैसे इनको हम सुखी करूं अंदर से भावना रखते हुए ये मेरे भगवान है साक्षात निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी किसी भी जीव की सेवा भगवत भाव से और भगवत भाव विहीन बड़े से बड़ा पवित्र कर्म दान पुण्य तीर्थाटन जो वो शुभ कर्म होगा वो भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा इसीलिए भगवान उसे कहते हैं अविधि पूर्वकम करते तो हैं पर विधान नहीं जानते हैं अविधि पूर्वकम इसीलिए उनको उसका सही फल नहीं मिलता जो उपासना का फल मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता तेपि मामेव ते यजंत्यविधि पूर्वकम देवताओं का जो पूजन करते हैं वास्तव में मैं ही सब जगह विराजमान हूं पर वो ऐसा नहीं मानते मेरा भाव उनमें नहीं करते अच्युत भावना विहीन गोविंद भावना विहीन हर कार्य शुभ कर्म है वो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता ये बहुत सावधानी की बात है किसी से बात करने के पहले उस पर अपने राधा वल्लभ लाल की भावना करो अगर वो व्यवहारिक बात भी होगी तो भजन हो जाएगा देखो युक्ति से मुक्ति होती है संत महापुरुषों के वचन हम इसलिए सुनते हैं कि उन्होंने युक्तियों के द्वारा माया की वृत्तियों को परास्त करके भगवदाकार वृत्ति की है वो युक्तियां हमें हमें मा कोई व्यक्ति आया हमसे बात कर रहा हम पहले भावना की और हैं और आचार्य का आदेश भी है सर्वानु वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्म मेरे आराध्य देव ही आए हैं अंदर से भावना व्यवहार में त्रुटि कर लो तो चलेगा जैसे सामने कोई बहुत ही गंदा व्यवहार करने वाला व्यक्ति है भावना में तत्काल हमने मानसिक प्रणाम किया अब व्यवहार उसका वैसे ही करेंगे जैसा वो रूप लेके आया है पर भावना में हमारे अंतर नहीं बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने मुझसे भगवत भाव भी करें और कटु व्यवहार भी करें यह अभी अज्ञान की धरा में इसलिए अरे वहाँ तो भगवत भाव करना है भीष्म जी तो महाभागवत हैं और सामने श्याम घन विराजमान उनके ऊपर बाण चला रहे हैं अगर आज्ञा हो जाए तो उनसे जैसी उनकी आज्ञा हो जाए देखो जय विजय जै निजी पार्षद हैं आज्ञा हो गई कि हमारे बल का दर्शन करना चाहती लक्ष्मी जी तो हमारे समान तो तुम हमारे ही पार्षद हो चलो हमसे वैर की लीला करो तो अंतिम समय तक बोले कहाँ राम रन हतो पचारी आपकी आज्ञा है तो कसर नहीं रखूंगा बिल्कुल जैसा दुश्मन व्यवहार करता है हे स्वामी मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा ये भगवत पार्षद जय विजय है अपने लोग बहुत अज्ञान की धारा में इसलिए समझ नहीं पा रहे कोई भी हमारे सामने आए हमें खोजना नहीं है हर जगह अपने प्रभु की भावना करने में आप क्या 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 चला जाता है वही भजन हो जाएगा जो ये हम लोगों को परेशानी होती है कि मेरा मन नहीं लगता भागा भागा घूमता है छोड़ दो जाओ भागो तुम जहां भाग के जाओगे तुमसे पहले हमारे भगवान वहां विराजमान जाओ कोई स्त्री रूप कोई पुरुष रूप कोई पशु पक्षी जड़ चैतन्य कोई तो पकड़ेगा ये और जिसको पकड़ेगा हम फट उसमें भावना करेंगे मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में भी है पक्का समझिए ये, ये महाभजन है बस इसमें हर समय अंतर्मुख वृत्ति होगी तभी पकड़ पाओगे नहीं तो समय का प्रवाह माया ऐसे ही व्यर्थ नष्ट कराती रहती है अविधि पूर्वकम उसकी हर सेवा हो जाती जिसमें भगवत भावना नहीं होती बात समझ लीजिए भगवत भावना से युक्त होकर के हर कार्य महाभजन है बड़े महापुरुषों को देखा गया है परमानंद हंस श्री स्वामी राम मंगलदास जी अयोध्या गोकुल भवन बड़े सिद्ध महापुरुष थे जब सब साधक विश्राम करते तो रात्रि में फावड़ा और तसला लेकर के अयोध्या के घाटों में गलियों में जहाँ कहीं कोई पशु पक्षी मल त्याग किए या कोई बाहरी जो नहीं जानते हैं उन लोगों ने वो मल उठा उठा करके गड्ढा खोद कर उस पर दबा करके ये सरयू का जल के छिड़क मेरे प्रभु की पावन नगरी है मेरे प्रभु का महल है सेवा अब दिन में इतने शिष्य जन थे कि सेवा करने नहीं दे रात्रि में उठ करके सेवा करते अगर हमारी सेवा भावना सबके प्रति बन जाए तो बहुत जल्दी हमारे कर्म संस्कार नष्ट हो जाए हमें खोजना नहीं किसी को जो सामने वस्तु व्यक्ति आ जाए मन में या दृष्टि में सामने हमें उसमें भगवत भावना करना है अच्छी से अच्छी आपने पूजा की सेवा की और आप भगवत भाव से युक्त नहीं है तो अविधि पूर्वक हो गई पूरा विधान किया सही विधान किया पर भगवत भावना नहीं तो अविधि पूर्वक हो गई भगवान कहते हो अविधि पूर्वक हो गई ज्यादा तुम्हें मंत्रों का भी ज्ञान नहीं कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं पर भाव में भरकर मेरे गोपाल जी मेरे लाल जी मेरे प्रभु मेरे प्रीतम सब विधि पूरी हो गई सब विधि क्योंकि आप भगवत भाव से युक्त हैं ये समझना थोड़ा कठिन है भाव देश को समझना भावुक पुरुषों के द्वारा ही आ सकता है नहीं तो प्राय शास्त्री सिद्धांत नियम इन पे ज्यादा महत्व बुद्धि रहती है लेकिन इन सब का फल होता है भाव और भाव आ गया तो सब विधि पूरी हो गई सब विधि देखो जो हम कर्माबाई जी का चरित्र सुनते हैं गाते हैं उसमें विधि की पूर्णता के नियम संयम की बात थोड़ी है उसमें भाव की पूर्णता की बात है ये भगवान के द्वारा ही नाम रचा हुआ है उनके लिए जल्दी कर मां विलंब हो जाएगा जल्दी कर मां तो उनका नाम ही कर्मा कर्मा बाई प्रभु स्वयं उन्होंने विचार किया कि रात्रि में प्रभु का भोग नहीं लगता दिन में शव लगाते हैं तो तीन बजे प्रभु को तो भूख लगती होगी तीन में। जल्दी से उठी बस पहला काम रसोई चढ़ा दिया सुंदर खिचड़ी बनाई प्रभु दौड़ के आते गोद में बैठ करके पाते प्रभु पाके गए बस फिर इसके बाद शौच स्नान क्रिया, क्या विधि है इसमें एक विधि को जानने वाले महात्मा ने देखा कि सूर्य उदय के बाद वो स्नान कर रही पर भगत तो है ये प्रसिद्धि थी उनकी उनका तुम कैसी भगत हो सूर्य उदय हो रहे हैं। फिर आप स्नान थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए देखो यदि जीवन को सार्थक करना है तो जिसके शैया में लेटे हुए सूर्य भगवान का उदय हो जाता है उसकी आयु बुद्धि श्री तेज बहुत सी बातें नष्ट हो जाती हैं अगर आपको जीवन में चाहे लौकिक उन्नति प्राप्त करनी हो या पारलौकिक कालीन कम से कम सूर्य उदय होने के दो घड़ी पहले चौबीस दुनी 48 मिनट अभी सूर्य उदय होने में 48 मिनट हैं, आपने सैया छोड़ दिया इसके आगे सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले आप सैया से हट जाएं। अगर आप रात्रि में जगे हैं तो सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद फिर आप सो जाएं। लेकिन वो जो बीच का समय प्रातःकालीन संध्या भुवन भास्कर भगवान पधार रहे वो आप सो रहे हो तो आपकी आयु आपका वैभव आपकी बुद्धि ये सब नष्ट होने लगती है पता नहीं चलता लोगों देखो कहा तेजवान चेहरे दिखाई दे रहे खूब तो सब खा पी रहे हो खाने पीने क्या तेज एक अलग होता है भागवती तेज अलग होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठे प्रभु का स्मरण किया जो दो चार नाम ही सही अपने बड़े बुजुर्गों को गुरुजनों को भावना से प्रणाम किया और पहली बात शरीर स्वस्थ रखने के लिए गरम जल किया हल्का आधा लीटर से एक लीटर तक जल पिया भगवत भाव अर्पित करके वज्रासन में बैठकर आप लोग दिनचर्या को नहीं करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य को पचा नहीं सकते ध्यान रखना ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है उसको पचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिव्य होनी चाहिए फिर इसके बाद आप पांच मिनट दस मिनट टहलिए फिर सौच जाइए फिर जो शौचाचार की पवित्रता बताई गई उसके अनुसार आप स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करके जैसे कोई महान व्यक्ति आ रहा है तो हम उसके आदर के लिए खड़े हो जाते हैं ऐसे भुवन भास्कर पधार है हाथ जोड़कर प्रणाम किया अर्घ दान किया गुरुमंत्र जपा आदि आदि अब पड़े हो आप कि हम तो दो तीन बजे तक जगे हैं ऐसा अगर आप भजन में जगे हैं तो भी सूर्य के समय आप उठ जाइए आपके गुरु आवे तो क्या आप सोते रहेंगे क्या तो ये जगत गुरु हैं भुवन भाष्कर परम ज्ञान स्वरूप हैं गायत्री छंद रूपी घोड़े हैं इनके रथ के स्वयं भगवान अरुण देव सारथी हैं और भगवान पीछे वर्णन किए मैं ही सूर्य रूप से जगत को प्रकाशित करता हूँ और ताप के द्वारा जल को शोक कर मैं ही वर्षा कराता हूं भगवान का आदर करना जो सूर्योदय तक सोते हैं उनकी बुद्धि में भागवतिक बातें अध्यात्म बातें आ जाए मेरी समझ में नहीं आता अगर आप थोड़ा भी शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जैसे नियम से भजन वैसे व्यायाम आवश्यक है सबसे प्रार्थना है ये दवाइयों के बल पर जीना बंद करो शरीर में जितनी आवश्यकता जल की है अगर उतना नहीं जाएगा तो आपकी एसिड बनेगी फुंशियां निकलेंगी कब्ज बनेगा कई परेशानी हम साधकों को कहते हैं। कभी कभी जैसे पूछते कितना जल पिया वो अभी तो पिया नहीं अच्छा ये शरीर है ये एक गाड़ी है वे कोई सच्चिदानंद नहीं है उचित आहार उचित जल व्यायाम के लिए कुछ समय नहीं और अभी दस दिन बीमार पड़ोगे फिर देखो आप कहते समय नहीं है हमने अपने बीमार स्थिति की दिनचर्या को बताया जो आपको बोल रहे ऐसे ही दिनचर्या करते और 45 मिनट व्यायाम इसके बाद तुरंत प्रणाम करके वृंदावन की परिक्रमा फिर आके श्री जी की मंगला फिर आके नौ बजे तक गुरुदेव भगवान की सेवा में फिर वहां से आके श्री जी का श्रृंगार फिर भिक्षावृत्ति आदि बारह एक दो बजे तक कोई चाय कोई पानी कोई ऐसा कुछ नहीं कि बाल भोग कुछ नहीं था ही नहीं जिंदगी में सौ ग्राम दूध नहीं खरीदा कि भाई हम हमारा दूध बन कभी नहीं ऐसा पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत कमजोर हूँ ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए बहुत शरीर को क्रियाशील होने की आवश्यकता है या तो प्राणायामों के द्वारा आसनों के द्वारा अब ना आसन है ना प्राणायाम है ना व्यायाम है और फिर क्या से भावना आपकी भगवत भावना बनेगी तो एक प्रमाद स्थिति स्वभाव नहीं बात बनेगी अध्यात्म का साधक जो होता है नवीन खिला हुआ कमल जैसा मुख तन विराजा रामचंद्र कर कोई असाध्य रूप कोई बहुत वो बात अलग है नहीं तो ऐसा वो जैसे कमल खिला होता है ऐसे खिला रहता है क्यों हर समय चिंतन सही आचरण सही सब कुछ सही जो भगवत भावना विहीन जीवन है वो मुर्दा जीवन है जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवित सब समानते प्राणी वो जान नहीं रहे मुर्दे जैसा जीवन है क्या जीवन का मात्र? वही गंदे भोगों को भोगना उसी का चिंतन करना और भोग भोगने वाले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विषय सामग्री इकट्ठी करना इसके बाद मर जाना बोलो इसके अलावा और क्या है ये बनाया वो बनाया वो बनाया जरा सा हिला पूरा का प्रांत का प्रांत नष्ट हो गया क्या है इसमें शाश्वत क्या है हमें तसल्ली होती है हमने एक मकान बना लिया तसल्ली होती है, चार लड़के हो गए और काल का तमाचा लगा पूरा का पूरा सब क्या तसल्ली हृदय को तसल्ली तब दो जब नाम चल राधा 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 दिनचर्या ही नहीं बन पा रही है आज के इस नए समाज की, की। दिनचर्या ही नहीं बन पा रही भगवत भावना ही नहीं है देखो अगर परिवार में रह करके आप भगवत भावना नहीं करते तो सब परिवार में रहकर आ सकते हैं और सब दुर्गति को प्राप्त होते हैं जब तक भगवत भावना नहीं है तब तक है, सब अविधि पूर्वक है मान लीजिए सब अविधि विधि भगवत भावना है कुछ भी किसी से भी कोई भी बस भगवत भाव वही आनंद का अनुभव हो जाएगा अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन मूल में मैं ही हूं मेरा ही है पर वो अविधि पूर्वक है अविधि पूर्वक का तात्पर्य है कि वो ये नहीं जानते कि इस रूप में सर्व सामर्थ्यशाली भगवान ही विराजमान है कभी कभी मंत्रों का ज्ञान नहीं होता पूजन की सामग्री शुद्ध नहीं होती भाव शुद्ध नहीं होता इसलिए उनका पूजा सेवा आगे चल करके फल प्रदान नहीं कर पाता प्रभु कह रहे हैं, मेरे में रिझाने के लिए किसी पूजा सामग्री की या किसी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं पिता को बस इतना ही चाहिए कि वो अपनापन करके दौड़ के उनकी गोद में बैठ जाए बस अपनापन प्रभु को चाहिए माया के भूल भुलैया से वापस लौटिए और एक बात केवल बैठ जाए अगर हृदय में कि मेरे प्रभु अब मैं थक गया हूं यहां कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं अपना नहीं नाथ मुझे अपना बना लो ये बहुत बड़ी बात है हृदय की कि किसी के बहुत भाग्यशाली होगा उसके हृदय में बात आएगी प्रभु उसकी रुचि का विषय बन जाते हैं प्रभु जहां हो ऐसा भावना करता है और उसकी रुचि हो जाती है प्रभु में जैसे हमारी विषयों में रुचि ऐसे प्रभु में रुचि हो जाती है अब वो जो भी करता है सब पूजा हो जाती है ये राह से जल्दी सबको समझ में नहीं आता ध्यान दीजिए भगवत भावना विहीन आप जो भी कर रहे हैं वो सब अविधि पूर्वक है भगवान कह रहे हैं। अगर भगवत भावना युक्त है तो जो भी कर रहे हैं सब विधि पूर्वक कर्मा भाई जी ने एक विधि विधान जानने वाले संत ने जब कहा कि आप तो बिना स्नान बड़ा अपराध ऐसे तुम कैसे बना पो प्रातः अपनी स्नान आदि दिनचर्या करने लगी तो विलंब हुआ फिर खिचड़ी अमनिया की ठाकुर जी को ठाकुर जी आए गोद में बैठ के एक कवल ही पाए कि उधर पर्दा भाग्य ठाकुर जी गए खिचड़ी लगी थी पार्षदों ने कहा जय जय तो अभी भोग ही नहीं पधराया फिर और बोले कर्मा भाई है ना वो मुझे भोग लगाती और पता नहीं उस महात्मा ने क्या समझा दिया विधि विधान वो तो भोरी भारी हमारी भक्ता वो अब नहाने धोने में समय लगाने लगी इसलिए आज विलम्ब देखो तुम जाओ और उनसे कह दो हम विधि विधानों से फंसने वाले नहीं विधि विधान हमें कोई फांस नहीं सकता है एक प्रेम फांस है जिसमें मैं फंस जाता हूं बिना किसी बंधन के अगर ये बंधते हैं उसका नाम है प्रेम डोरी जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद बसो मेरे नयनन में दो चंद ये ये बात सबकी समझ में नहीं आती जाओ उनको कह दो जैसे वो बनाती थी वैसे पूरा अविधि है अगर शास्त्रीय सिद्धांत से दे देखो अविधि है पर वो महान विधि है जो भगवान को आशक्त कर लिया कौन सी विधि मेरे अपने प्रभु मेरे प्यारे रात में भूखे रहते होंगे ये भाव भगवत भाव विहीन जितना जो कुछ आपको कहोगे कि कैसे अविधि पूर्वक भगवान कह रहे हैं देखो जब मथुरा के ब्राह्मणों को भगवत पार्षद सखाओं ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज इधर ही गाय चराने आए हैं और वो भूखे हैं आप थोड़ा सा कुछ भोजन सामग्री दे दीजिए वैसे तो देखा कि ग्वारी है बात ही नहीं की अधिकारी ही नहीं समझा बात का अधिकारी नहीं समझा ऐसा नहीं कि इनको पता न चला हो कि भगवान का अवतार है क्योंकि जब भगवान अवतरित हुए सबको पता था कि भगवान अवतरित हुए हैं प्राय सबको पता था सबको जैसे वायु शीतल चलती तो सबके अंगों में लगती इसलिए महान प्रकृति उल्लसित होकर नृत्य कर रही थी आनंद में जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैंने महापुरुषों से सुना था कि भगवान पधारे हैं मेरा कितना दुर्भाग्य कि वो स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान भगवान आगे जैसे कह रहे अहम ही सर्व नाम भोक्ता प्रभुरे उच्च समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं स्वयं स्वयं समस्त यज्ञों की भोक्ता मांग रहे हैं। और वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण अनादर कर रहे हैं हुई ना विधि और उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे चारों वेदों का ज्ञान है गायत्री का अनुष्ठान त्रिकाल संध्या जितना भी शास्त्रीय सिद्धांत सब पालन करता हूं पर सबके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया धिक्कार है मेरे ज्ञान को धिक्कार है मेरी पवित्रता को धिक्कार है स्वयं भोक्ता भगवान मांगे और हमने बात भी नहीं की पर अहो भाग्य हमारे कि हमारी पत्नियां ऐसी निकली जो हमारी बात बन गई भगवत साक्षात्कार करने वाली वहां कौन सी विधान का पालन कर रही एक ही विधान केवल अपने श्याम सुंदर मेरे प्रभु प्रभु की चर्चा सुनकर प्रभु में आसक्ति हुई आशक्ति ने प्रभु का साक्षात्कार करा दिया भगवत भावना विहीन बड़े से बड़ा कार्य प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं दुर्योधन ने दुशासन के महल में ऐसी भोग सामग्रियों का रचना करवाया था कि देवराज इंद्र भी ललचा जाए और मूल उद्देश्य था कि श्री कृष्ण को रिझा लेंगे अपने पक्ष में कर लेंगे प्रभु ने उनसे वार्ता जब संधि की की तो उन्होंने कहा कि बिना युद्ध के पांच गांव की बात क्या सुई के अग्रभाग भी नहीं दे सकता सुई के अग्रभाग भर भी जमीन नहीं दे सकता पांच गांव की वो भगवान ने कहा था ऐसा करो तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे रहो पांच गांव दे दो पांडवों को वो मेरे भक्त हैं मेरा आदेश पालन कर उनका सूजी अग्रे सुई की नोक भर भगवान चलने लगे तो गाओ प्रसाद पालीजी भोग लीजिए आइए महल में तो का पाया वहां जाता है यदि पवाने वाले में प्रीति हो या पाने वाले को मिलता ना हो बहुत भूखा हो मेरे को भूख नहीं है तेरे में प्रीति नहीं है चल दिए भगवान भगवान उधर गए भी नहीं और गए का भगवत भाव भावित विदुर जी के घर वहां मांग करके छिलके पाए देखो छिलके पवाना विधि विधि है अविधि है अभी सेवा अपराध में सुन रहे थे ना हाँ अच्छा से अच्छा पदार्थ प्रभु को पवाना और वो अच्छा पदार्थ तो फेंक रही है और छिलका पवा रही अविधि है पूरी अविधि है लेकिन यही सही विधि है क्योंकि वो है ही नहीं भाव में भाव में इतनी ऊंचाई पर डूबी उन्हें कोई जैसी विदुरानी जी वैसे ही लालजू महाराज पा रहे उनको भी शुद्ध कह रहे, वाह बहुत सुंदर बहुत स्वादिष्ट वो भाव पवा भा रही तो वो भी भाव का स्वाद ले रहे अपने उपास देव में प्रियता हो जाना यह सारी विधि है इसीलिए अपने वृंदावन उपासी जन जो है वृंदावन यहां मंत्रों के आदेश से सेवा पदार्थ समर्पित नहीं किया जाता अमुक मंत्र पढ़ो फिर वो सेवा नहीं यहाँ तो राधा 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 और जब जैसा भाव आया जब जैसा भाव आया या ऐसा नहीं कि ये ऐसे 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 न जब भाव आया अपने भाव में भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु भाव ये थोड़ा भक्ति का फलस्वरूप भाव होता है जो प्रभु से विलग भाव करके उपासना की जाती है वो अविधि पूर्वक हो जाती है और जो भगवत भाव करके की जाती है वो शाप विधि मानी जाती है जिसमें हमारे प्रभु को सुख मिले ऐसी भावना करके जो भी किया जाए उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है क्योंकि श्री भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्वयज्ञ भोक्ता च प्रभु रेवच न तो माम जानती तत्व नातवंती क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता मैं हूं मैं सब का स्वामी हूं परंतु ये जो मेरे से विमुख हैं ये ऐसा नहीं जानते ये मुझे तत्व को नहीं जानते इसलिए ये अन्य भावना किया करते हैं जो मेरे को नहीं जानते हैं मेरे भाव से नहीं है वो कुछ भी करें उनका पतन ही होता है बात इसमें यह है कि जब अविनाशी नित्य चिदानंद भाव ही नहीं है तो विनाशी खेल में सत्य भाव से लगोगे तो तुम अविनाशी का विनाश ना होते हुए भी, भी विनाश की सारी लीला सहनी पड़ेगी जैसे आत्मस्वरूप जो हमारा स्वरूप है उसमें किसी शस्त्र का मंत्र का किसी भी दैवी शक्ति का कोई भी बस नहीं है जो हमारा आत्मस्वरूप है कि मंत्रवेत्ता कोई भस्म कर दे किसी दिव्यास्त्र का संधान करके हमारी आत्मा को छेद भेद दे अक्लेद है अशोष्य है अदाय है फिर भी हम जलते जलन का अनुभव करते हैं अंतर और बाहर से भी क्यों वहां तो बता रहे हैं कि अदा है कोई भी ताप आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता फिर ये जलन क्यों होती है लगता तो हमें ही कि मैं अंदर से जल रहा हूं या बाहर से शरीर में अग्नि आदि छू जाए तो ताप लगेगा क्योंकि हम अपने अविनाशी भाव में नहीं हैं ध्यान दीजिए अविनाशी होते हुए भी अविनाशी भाव में ना होने के कारण मुझ अविनाशी तत्व को विनाश की पूरी की पूरी लीला सहनी पड़ती है पूरे कष्ट सहने पड़ते हैं नहीं सहने पड़ते देखो आप जन्म मरण मेरा थोड़ी होता है मेरा स्वरूप नैनम छिन्नंत शस्त्राणी नैनम दाति पाव कहा। न चैनम क्ले दंत्यापो मारुता पर हो रहा है हम जल में डूब के मर सकते हैं हम वायु के प्रवाह में हम नाना प्रकार के दुखों के प्रवाह में क्या हुआ बोले चूंकि तुम अपने अविनाशी स्वरूप भाव से बिलग हो समझ गए वही बात यहां श्री भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम ये भाव नहीं समझ पा रहे कि सबका भोगता मैं ही हूं यज्ञ जितने भी साधन सबका फल प्रभु ही है मैं सबका स्वामी हूं जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं मेरे पर भाव नहीं करते उनका पतन ही होता है कारण ये अविनाशी भाव ना होने के कारण विनाशी में सत्यत्व भाव होने के कारण परिणाम कुछ हाथ नहीं लगेगा केवल नाश ही नाश जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो उसमें प्रधानता होती किसी संत या शास्त्र के वचन ऐसे आप चल ही नहीं सकते कभी भी कहीं भी कोई भी प्रभु की तरफ चलेगा पहला कदम चला होगा तो वो किसी न किसी संत के वचन सुने होंगे या शास्त्र के वचन दोनों एक ही बात है जो संत भगवंत की वाणी है वही शास्त्र है बिना उनके वचन सुने परमार्थ का पता ही नहीं चलता है तो जब हम प्रभु की तरफ सत्संग सुनकर चलने को होते हैं तो ये दो मुख्य बाधाएं आकर खड़ी हो जाती हैं भोगों की भोग वृत्ति संग्रह वृत्ति जो हमारे अंदर रही है तो वो हमको इतना कमजोर कर देती लगता है अगर ये ये चीज नहीं होगी तो हम रह नहीं पाएंगे ऐसी ऐसी व्यवस्था होगी तो हम नहीं रह पाएंगे बड़ा कमजोर हो गए अपने लोग हाँ ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए भोगों का भोगता और भोगों के संग्रह युक्त स्वामी भाव मेरे पास इतनी खेती इतना बैंक बैलेंस इतना परिवार ऐसा ऐसा और देखो हमारी दिनचर्या में ऐसा चलता है हम ये खाते रहे ऐसे करते रहे ऐसे और ये सब होता रहा है अगर हमें भजन मार्ग में तो ये सुविधा चाहिए ऐसा ऐसा इतना कमजोर हो गया है मनुष्य कि वो भोगों की भोगने की वृत्ति और भोगों के संग्रह करने की वृत्ति और भोगता और संग्रहित तो वस्तु का स्वामी मैं ऐसा ये पहली परमार्थ में बाधा वृत्ति है और ये प्राय हम सब बड़ी खुशी से बाधा लिए चल रहे हैं देखो ये बड़ा सूक्ष्म चूंकि देखो अध्यात्म है अध्यात्म तो जगत से बिल्कुल ऐसे है कोई बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो सुनना चाहते हैं उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो चलना चाहते हैं उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन जो चल रहे हैं उनसे भी बड़े भाग्यशाली हैं जो महत्व रख चलते हुए उसका अनुभव कर रहे हैं जो अनुभव कर लिए सा तरकाम सा सा तारियती वो स्वयं तर जाते हैं स्वयं तर जाते हैं, लोगों को तार देते हैं ये उल्टी बुद्धि लेकर जब परमार्थ में चला जाता है तो थोड़े ही समय में वो परमार्थ से विमुख हो जाता है भोगों की भोगने की सुख बुद्धि और भोगों के संग्रह की और उसके स्वामित्व का भाव जहां अंदर वृत्ति लिए थे वहीं पहुंच गए ऐसी पूरा जीवन करने पर भी परमार्थ पथ नहीं मिलता और कहने लगते कि हमें पचास वर्ष हो गए परमार्थ में चलते ए बात समझ लेना परमार्थ पथ एक कदम भी चलोगे तो तुम्हें इतना स्वस्थ और मजबूत बना देगा कि तुम्हें कोई परास्त नहीं एक कदम अरे बारह वर्ष में तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है किसी भी मंत्र को किसी भी नियम को बारह वर्ष तक किया जाए तो सिद्ध हो जाता है ऐसा संतों ने वर्णन किया है पर हम ये कह रहे हैं कि पचास वर्ष भी आप लगा दीजिए और अगर ये दो भाव आपके सुधरे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको आपको याद होगा हितधाम में एक समय शाम टाइम लगभग पचहत्तर वर्ष के विरक्त वेश के महात्मा ने एक प्रश्न किया था कि मैं किसी ऐसी आदत से परेशान हूं जो आज पचहत्तर वर्ष का हूं फिर भी मुझे वो करना होता है अब क्या करूं अब तो मरने का समय आ रहा है मुझे आश्चर्य नहीं सर्वाश्चर्य हुआ पूरा जीवन भगवत मार्ग में चलने का प्रमाण देने वाला कि मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं पचहत्तर वर्ष की अवस्था में वो अपनी उस वृत्ति को नहीं छोड़ पाया जो भगवान से विमुख करती है अब कहीं डींग अपने लोग हाँक सकते हैं कि इतने वर्ष हो गए परमार्थ शरीर का समय व्यतीत करना कोई परमार्थ का मार्ग तय कर लेना नहीं है विवेक के द्वारा भोगों का त्याग करके निरंतर परमात्म चिंतन ये परमार्थ का मार्ग है आप चल के इस पे देखो कैसा वो लोग समय व्यतीत करते हैं भोग चिंतन भोग स्वामित्व में और वर्णन कर देते हैं कि इतने वर्ष हो गए हमको परमार्थ में चलते हुए दम्भ कभी सत्य वस्तु का अनुभव नहीं कराता नाटक कभी सच्चिदानंद रस का अनुभव नहीं कराता भगवत रसिक जी कह रहे हैं बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य को मानो बिना विवेक और वैराग्य और प्रेम भक्ति के उसकी एक भी बात सत्य नहीं मानना है कोई भी हो कितनी भी अवस्था का हो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कितनी भी अवस्था का व्यय वृद्ध या कोई उसकी बात हमें माननी ही है सुननी है ऐसा नहीं भगवान सुखदेव जी सोलह वर्ष की अवस्था के हैं जे ही गंगा की रीति पर चरण पधराते हैं परीक्षित जी अनशन व्रत लिए बैठे हुए आमरण अनशन बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं श्री सुखदेव जी के पिता पिता महादि सब बैठे हुए हैं जे ही देखा दिगंबर भेष, शरीर की शुद्धि नहीं श्री कृष्ण प्रेम में मत वाले सब खड़े हो गए थे सब सोलह वर्ष की अवस्था के सुखदेव जी और दस दस हजार वर्ष जिनकी केवल तपस्या साधनाएं वो सब महापुरुष खड़े हो गए क्यों क्योंकि जन्म से ही भगवत अनुराग में दृढ़ महापुरुष जन्म से ही माया रहित मुरुष अंदर से ही वैराग्य युक्त तो वैराग्य ज्ञान और भक्ति का आदर होता है अवस्था का आदर नहीं होता आप कितनी अवस्था के इसका महत्व तो नहीं होता ओ चांददेव ने चौदह सौ वर्ष की अवस्था ज्ञानदेव जी की शरण में हुए शिष्य बने ज्ञानदेव जी नवीन अवस्था के जब तक आपके अंदर भोग में सुख बुद्धि भोगों का संग्रह और उसके स्वामित्व का भाव स्वामित्व का भाव बड़ा सूक्ष्म विषय है चाहे गृहस्थ हो तो चाहे विरक्त हो स्वामित्व का अगर एक कमंडल में भी तुम्हारा स्वामित्व का भाव है तो जैसे एक गृहस्थी के सौ गांव में स्वामित्व का भाव हो वैसे तुम्हारे कमंडल में भाव है ये मेरा कमंडल नहीं प्रयोग के लिए प्रभु ने दिया इस शरीर के प्रयोग के लिए दिनचर्या में काम आएगा बस मेरा शब्द केवल प्रभु के लिए है मेरे प्रभु मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को ना कोई वस्तु ना कोई व्यक्ति ना कोई भोग सामग्री ना कोई पद प्रतिष्ठा ना लोक लोकांतर मेरे तो गिरधर गोपाल अध्यात्म है ये भगवत मार्ग है जिससे समस्त प्रपंच का नाश होकर भगवत साक्षात्कार होता है कहीं स्वामित्व तो नहीं होना चाहिए ना इस शरीर में न शरीर संबंधी भोग सामग्री में न संपत्ति में हमने संतों को मुझसे सुना है भाजी बगी। राम जी का बगीचा है राम जी का बगीचा है हाँ ये सब राम जी का है वो सब श्री जी का है सब श्री जी का है वाणी से ही नहीं हृदय से दासत्व तो होना चाहिए स्वामित्व तो केवल प्रभु के चरण अपनापन केवल प्रभु बस बहुत मुश्किल बात है ये समझ गए तो बेड़ा पार हो गया हम बार बार आपको कहते हैं कि साधना से भगवान को खरीदा नहीं जा सकता अपनेपन से रीझते इनके स्वभाव को जान लीजिए बस बुमा राम स्वभाव जी जान आता भजन तज भावला बस इनसे थोड़ा सा अपनापन हो जाए मतलब इनकी बात होने पर इनकी याद आने पर ऐसा लगे जैसे कोई मेरा प्यार प्राण प्यारा मित्र बहुत दिन से मिला न और उसकी याद आ रही हो या जो भी भाव आप रखते हैं वो ऐसा एक बार जब मानो अपनी माँ है बहुत वर्षों से नहीं मिले उसकी याद आ रही अब हृदय विकल हो रहा है ऐसा कुछ जैसे अपना लाडला पुत्र है अमेरिका में पढ़ रहा है एक ही पुत्र है बहुत दिन से बात उस माँ का हृदय कैसा होता है क्या करूँ कैसे उड़ पंख होते तो उड़कर जाती उनसे मिल ले जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के किसी भी भाव से हमारा प्रभु के प्रति थोड़ा तो ऐसा हो जाए कि उनके लिए हमारे हृदय में कुछ होने लगे पर विषयों के लिए होता है प्रभु के लिए नहीं होता ये क्यों नहीं होता कह रहे हैं दो बाधाएं मुख्य हैं अपने को भोगों का भोगता मानना और भोग सामग्री का स्वामी मानना मालिक मानना जिसके अंदर ये दो बुद्धि उसकी बुद्धि उल्टी ही चलेगी कभी प्रभु के सन्मुख नहीं चलेगी ध्यान रखना किसी ने किसी संत से कहा कि आपके यहां हम गए तो ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा हफ्ता दस दिन तो फिर इसके बाद पता नहीं गया स्थाई क्यों नहीं चढ़ा स्थाई होना चाहिए तो देखो हम आपको बताएं संतों के यहां चिंगारी दी जाती है और उसको सुरक्षित रख के ज्वाला बनाना तुम्हारा कर्तव्य है अगर आपने चिंगारी पे एक चुल्लू जल डाल दिया फिर बोलो ये ज्वाला क्यों नहीं हुई जहां तुम्हारे अंदर चिंगारी भी नहीं थी वासना का साम्राज्य था वहां जाते ही भक्ति की चिंगारी लग गई अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उस चिंगारी को ज्वाला रूप बनाना नाम का जब नाम का कीर्तन लीला का गायन प्रभु के भक्तों के चरित्रों का गायन सुख देने की भावना से जीव जंतु पशु पक्षी सबकी सेवा की, की बात अभी देखो भक्ति रंग ले आएगी अब यहां से गए और विषय चिंतन में विषयों के खेल में तो शांत तो हो ही जाएगी तो आपका लगता है स्थाई चमत्कार हम गए और बस हमारा आज से पापाचरण में मन ही नहीं लगा और हम बस खूब भजन करके दिव्यता को प्राप्त हो गए ऐसा कहीं नहीं आप भजन कर रहे हो संतों का संग मिलेगा उसमें और रंग बढ़ेगा आप भजन नहीं कर रहे हो संतों का संग मिलेगा भजन की तरफ झुकाव होगा अब संभालना आपको है कि वो जो चिंगारी जे, वो जो झुकाव है वो वेग से उधर दौड़ पड़े कहीं कुसंग ना हो जाए कहीं कोई गलत आचरण ना हो जाए गलत चिंतन न बन जाए ऐसा अगर होता तो भगवान फिर उपदेश अर्जुन को नहीं करते क्योंकि स्वयं भगवान सर्व सामर्थ्यशाली सामने खड़े हुए हैं जीव का परिवर्तन उपदेश नाम मंत्र स्वीकार करके उसमें लगने से होता है अगर ऐसा होता कि संतजन मंत्र दे दिए और बस अब चमत्कार प्रगट अब कोई काम नहीं कोई क्रोम तो भैया फिर ये जो जीवन के जीवन लड़ते व्यतीत हो जाता है ऐसा कैसे होता बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेने वाले बड़ी बड़ी लड़ाई जीते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उन्हीं की कृपा से उन्हीं की दी हुई नाम मंत्र से पर लड़ना पड़ा है अब आप सोचो जो आपके अंदर आए वैसे भोग भोग लिए और फिर भक्ति ज्वाला रंग लावे ये सब है, ये सब सब है व्यर्थ का चिंतन है सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए काल ही कर्म ईश्वर दोष लगाए उपासक जब तक कुशंग का त्यागी नहीं बनेगा तब तक उसके हृदय में सत्संग की जो चिंगारी वो बुझ जाएगी बुझती रहेगी बोले हमको तो दस साल हो गए सत्संग करते पर पाई भर फर्क नहीं पड़ा दस साल सत्संग और एक मिनट के लिए भी वृत्ति सत्संग की नहीं आई कारण कुसंग एक दिनचर्या बना ली सत्संग सुने और वो भी दिनचर्या बना ली पापाचरण की खान पान गलत चिंतन गलत व्यवहार गलत आचरण गलत नहीं आएगा रंग भाई औषधि तभी रंग लाती जब परहेज सही हो संगम न कुया दशताम शिष्णो दर क्वचित तस्यानुगस्त मस्यंधे पतंत्यंधानुगांधवत जो स्त्री भोग को ही परम सुख समझते हैं आप विपरीत शरीर को केवल रसेंद्री के ही चिंतन में रहते हैं आज क्या खाया क्या खाएंगे कहां जाएं कौन से होटल से मंगाएं क्या दुनिया का केवल भोग का चिंतन इंद्रियों के कैसे मैं उनको भोगू नवीन नवीन भोगों की चाट चाहे रसेंद्री चाहे जनेन्द्री बोले ऐसों का भूल करके विसंग नहीं करना चाहिए हो जाता है एक क्या होता है कि जब तक विरक्त महापुरुषों का संग नहीं होता तब तक साधुता समझ में नहीं आती जो जैसे बड़े बड़े महापुरुष गंगा के अरे निर्मल एकदम निर्विकार देखते ही हृदय में जलन पैदा हो जाएगी धिक्कार हमारे वैराग्य को इनके आगे एक संत भगवान को अब कोई नाम और बदल गया उस स्थान का उस समय नाम था घटिया घाट तो रात्रि के महापूष की सर्दी जैसे गर्मियों में झीनी मार्किन वही केवल ऐसे रोम रोम भाले की तरह सर्दी से खा वयोवृद्ध शरीर तो एक झोपड़ी में पांच छह संत भगवान ऐसे वो बैठे बस नाम मंत्र चला पूरा शरीर कांप रहा है हृदय में बहुत जलन हुई तुम्हारा तो जवान शरीर है तुम सोचते हो हम बैरागी हैं मार्किन पहने ये देखो इसे बैराग्य कहते हैं एक पतली सी लंगूटी पतली सी ऐसे महाराज नजदीक गए महाराज जी आपका वृद्ध शरीर है ये तो हुँ। हुँ। बोले भी नहीं रात भर देखा कांपते हुए लेटे भी नहीं मन ये है अध्यात्म यह है वैराग्य शरीर केवल कहने मात्र की नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं वो अनुभव कर रहे हैं मैं शरीर नहीं हम ये नहीं कहते कि चलो उस कोटिका पर ऐसा भी नहीं है कि आप केवल रसेंद्री के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को जन के भोगों का चिंतन फिर तो मतलब बिल्कुल बिगड़ जाएगा तो नवीन उपासक थे थोड़ा कुछ शास्त्र स्वाध्याय किया जब तक भगवतकार वृत्ति या भगवत तत्व का अनुभव ना हो जाए तब तक समाज में नहीं उतरना चाहिए क्योंकि समाज तो विशेष श्रद्धा भाव प्रस्तुत करेगा और उसको हजम करने के लिए आप में ज्ञान का पावर नहीं है तो वो फिर मतवाला होकर स्वामित्व भाव में आ जाएगा भाई बहुत सावधान परमार्थ का पथ अध्यात्म का पथ विवेक पूर्ण होकर के चलोगे तो कुछ ही दिनों में अनुभव हो जाएगा यह तो बिल्कुल भावनाएं त्याग दो कि बीस वर्ष करेंगे तब अनुभव पचास वर्ष करेंगे तब अनुभव ऐसी बात नहीं सच्ची बात कहते हैं गुरु कृपा हो जाए तो एक श्वास लेके छोड़ने में जितना समय लगता है इतने ब्रह्मबोध हो जाए गुरु कृपा हो जाए सच्ची कहते हैं ये अब शब्द नहीं जब करते करते हार जाता है उपासक तब तो उसको सही मार्ग मिलता है जिससे भगवत साक्षात्कार होता है नहीं तो जन्म जन्म लग जाते मार्ग नहीं मिलता अंदर का वो देहाभिमान से सारी क्रियाएं तो एक उपासक ऐसे ही शास्त्रों का स्वाध्याय किया और शुरू हो गया प्रवचनादि आजकल अन्य युगों से ज्यादा श्रद्धा है अन्य युगों से सतयुग त्रेता द्वापर जो सब महान युग हैं, उनसे ज्यादा कलयुग में श्रद्धा है सच्ची मान लीजिए कलयुग में उनसे ज्यादा श्रद्धा है कलयुग का ऐसा महत्व है कि जो दस हजार वर्ष तपस्या से फल मिलता है चौबीस घंटे नाम कीर्तन से मिल जाएगा बड़ी महिमा है कलयुग की बस ये कि अगर भगवत विमुख है तो दुर्गति पक्की है अगर भगवत सन्मुख हो तो बड़ी महिमा कलियुग की है बड़े बड़े महापुरुष कलियुग को प्रणाम करके इसकी जय जयकार करते हैं कि जो बड़ा दुर्लभ पद है वो नाम कीर्तन नाम जब भगवत कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति हो जाती बड़ा सरल कलयुग में भक्ति प्राप्ति होना पर भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के अनुसार चले अब उन्होंने साधुसंग तो विशेष किया नहीं था शास्त्र स्वाध्याय किया और ये कथा नहीं कह रही है घटना कह रहे हैं अब उनके पास लोगों का आना शुरू अब उस नए उपासक थे शास्त्रों का स्वाध्याय प्रवचन संत समीप से जो निकलता है उसको कोई गिरा नहीं सकता हम आपको खास बात कहते हैं जो संतों की गाली सही है संतों की डांट फटकार सही ना उसे माया के क्षेत्र में कभी गाली नहीं मिल सकती माया कभी उसे डांट फटकार नहीं लगा सकती बहुत सुलझा हुआ विषय है अगर आप संतों के हाथ के नीचे से पास नहीं हुए तो आप शास्त्र पढ़कर के संत नहीं बन सकते पक्की बात तुम्हें बता देते हैं एक जनरेटर के इंजीनियरिंग पढ़े बहुत बढ़िया सब पढ़ लिखे और एक जनरेटर की बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें सैकड़ों जनरेटर थे गए बोले साहब हम कागज दिखाया पास है ठीक है आप हमें नौकरी में रख लीजिए एक इंजन खोल करके डाल दिया और कहा इसको आप फिट करके चला दीजिए हम आपको रख लेंगे पूरा पढ़ा था उसी के बिल्कुल फिट कर दिया जनरेटर और चलाया तो चला ही नहीं और दिन भर लगे वो कुछ नहीं बोला खड़ा देखता रहा दुकान का कार्य था बस देख लेता शाम तक वो कई बार ऐसे खोले और बांधे बोले सर पूरा प्रयास कर लिया पर चल क्यों नहीं रहा है तो बोले आप सच्ची बताना किसी मकेनिक के नीचे कुछ दिन काम किया है बोले नहीं हम तो पढ़े बोले हाँ कढ़े नहीं इसीलिए बोले कुछ नहीं उसकी गैस काटो उसकी जो गैस काटो सी चल पढ़ो ये गैस काटना उसमें पढ़ने में नहीं आएगा ये किसी मकेनिक के नीचे ऐसे ही माया के प्रवाह को कैसे काटना है ये गुरु कृपा बताती है। अब सांसारिक लोगों का आगमन शुरू हुआ कोई केला सेव संतरा ये लोग बड़े भावुक हैं अपने बच्चे को फल देने में संकोच करेंगे प्रसाद महात्मा को इनकी श्रद्धा को तो देखो जिस शरीर को सब प्राण से प्यारा समझते हैं जहां संतों को देखते हैं लिटा देते हैं सामने क्या पड़ा है देखा नहीं ए, लेट गए इनकी श्रद्धा को देखो भगवान इनकी श्रद्धा का फल देते हैं भगवान इनका मंगल करते हैं पर अपने को कहीं ये ना मान लेना चाहिए कि हम इतने मान हो गए कि साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं बिल्कुल भूल मत कर देना अब उनको लगा कि कुछ तो प्रभाव हमें है ही जब तक देहाभिमान गलित नहीं होता तब तक, तक ये बात आ जाती कुछ ठीक कुछ तो है ना कुछ नहीं है कुछ नहीं है ये रंग बिरंगा पर्दा है माया का भुलावे में नहीं फंसना चाहिए अब जो ज्यादा नजदीक होने लगता है उनसे परिचय होने लगता है कि अमुक जी हैं अमुक जी हैं और हर शनिवार रविवार को ढेर सारे अंगूर फल ये मेवा लेकर आते वैसे एक दिन आए रविवार को बोले महाराज आज तो रुक नहीं पाएंगे वो क्यों बोले वो आज हमारी कुछ मित्रों की पार्टी है क्लब में होगा तो क्लब क्या होता है अरे वो चले गए अगले रविवार को शनिवार को जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं होता क्या है क्लब अब बोले महाराज हम उसकी व्याख्या थोड़ी करके आपको बताएंगे अगर आपका मन हो तो गाड़ी में बैठो घुमा लाए आपको क्या है तो उन मतलब तस्मा शास्त्र प्रमाणम थे कार्यकार्यो व्यवस्थित हो बहुत होश में रहना चाहिए ये हम कथा नहीं सुना रहे ये घटना है बहुत विचारणीय विषय है उनके आसपास रहने वाले और उनसे ये सब जानकारी के अनुसार इस... कहा चलो क्योंकि रजोगुणी पुरुषों का अन्न पाने पर बुद्धि रजोगुणी हो जाती है अगर हम सावधान ना हो तो हमारी बुद्धि को ये आकर्षित कर लेती है अब वो गाड़ी में बैठ गए आगे गाड़ी में माला डाल करके बैठ गए गए पहले तो सर माने लगे यहां तो ठीक नहीं आप आयो हम है ना अब लोग वहां सब उनको देखें उनसे आप बड़े धनी थे बैठे तो अपनी खान पान की सामग्री मंगाए बोले महाराज जी के लिए देसी घी में पकोड़े तल के लाओ सब लाए पाओ महाराज आप हम लोग आप सात्विक शुद्ध पकोड़े सात्विक शुद्ध पकोड़े क्लब में अब <laughs> धीरे 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 भजन साधन छूट गया और जब उन लोगों ने देखा कि ये तो उन लोगों ने जाना छोड़ दिया तो ऐसे न वैसे रहे मजरे हो। हो एक बार बुद्धि परमार्थ से भ्रष्ट हुई तो दोबारा चढ़ाना केवल विशुद्ध हरि कृपा से हो सकता अन्यथा नहीं संगम न कुया दशताम शिष्णु दर त्रिपाम क्वचित जो केवल जनेन्द्री रसेंद्री की तृप्ति में लगे हुए हैं ऐसे लोगों से अपनी भक्ति की चिंगारी को बचाओ नहीं तो बुझने में देर नहीं लगेगी ततो दुष्यंग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एत छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी इसलिए उपासक को चाहिए कि जो हमारे पास बैठे उसके संग से हमारा भजन रुक रहा हमारे अंदर गंदी वृत्ति आ रही हमारे अंदर संसारिकता आ रही उसका संग तत्काल त्याग दे दुष्ट संग त्याग के लिए बताया गया है कि जैसे आप आराम से बैठे हो और अचानक ऊपर गोद में सांप गिर जाए तो आप क्या करेंगे पहला काम करेंगे झटक देना फिर विचार करेंगे उसमें विचार करने की जो भगवत विमुख वार्ता करता है कोई भेष हो इसमें मत सोचना कि वैष्णो अपराध लगेगा कोई भी भेष हो अगर आपके पास आ रहा है और उसके संग बैठने से आपके अंदर दुर्गुण बढ़ रहे हैं दुर्वासना का खेल शुरू हो रहा है गंदी बातें बोली जा रही गंदा चिंतन प्रारंभ हो गया अपनी पवित्रता गुरु निष्ठा इष्ट निष्ठा धाम निष्ठा भजन निष्ठा छूट रही है विचार की जरूरत नहीं तत्काल उसका त्याग कर दो प्रार्थना कर दु कि दोबारा कुटिया में चरण पधराने की कोशिश मत करना सीधे ये वैष्णव अपराध नहीं है ये महामंगल में होगा इसमें नहीं डरना चाहिए कि वो वैष्णव थे इसलिए नहीं प्रणाम नमस्कार अब कृपा करके दोबारा चरण मत पधराना बस आदेश शास्त्र का ततो दुषंग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन संग पता नहीं कैसी बुद्धि होती है कि वर्षों सत्संग सुनते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता और कुशंग का एक मिनट में प्रभाव पड़ जाता है बड़ी सत्संग की जैसे महिमा ऐसे कुशंग की भी महिमा है एक ही दृश्य अजामिल ने देखा था पूरा जीवन बर्बाद कर दिया एक ही दृश्य शहुभरी जी ने देखा था पचास ब्याह करने पड़े बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है सतपुरुषों के उपदेश को अक्षरशा सत्य मान कर चलो तो तुम्हारे मन की आसक्ति संसार से हटकर प्रभु में लग जाएगी संत एतस्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी जो मन विषयों में आसक्त है उससे छूटकर प्रभु में आसक्त हो जाएगा पर तुस् मुत्सृज्य सत्सुस बुद्धिमान बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि ऐसे दुष्ट संग का तत्काल त्याग कर दे पेक्षा मत चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा ऐसे संतों का संग करे जो किसी से कुछ भी नहीं चाहते चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ संत कौन जिसकी चाह मिट गई है किसी से कोई चाह नहीं अनपेक्षा संतो अनपेक्षा अपेक्षा नहीं मेरे स्वामी जैसा मेरा भरण पोषण करेंगे पोषण भरण न चिंत कराएं श्री हरिवंश विभोल अपने खाने पीने की चिंता रहने की चिंता ये सब बनी हुई तो शरणागत किस बात के हो प्रशांता श्रमदर्शिना मत चित्ता जिसने अपने चित्त को मेरे में लगा दिया है किसी से कुछ लेने की चाह नहीं है जो सब जगह मेरी ही भावना से युक्त है जिनकी कहीं भी ममता नहीं है निर्मम निरहंकारा शरीर में या किसी क्रिया में अहंकार नहीं है निर्द्वंद्वा जो हर द्वंद्व पर विजय प्राप्त किए हुए सुख दुख मान अपमान निंदा स्तृति सत्र मित्र जय पराजय ऐसे अपरिग्रही संतजनों का संग साक्षात मेरा ही संग है अर्थात मानो हम भगवान के संग चल रहे हैं भक्त भगवान अभेद हैं तस्में तज्जने भेदाभा मानो भाग्य हम संत भगवान के साथ चल रहे हैं, मतलब भगवान के साथ चल रहे हैं क्योंकि भगवान कह रहे हैं ऐसा संत मेरा स्वरूप है महाभाग निभाग महा मत मतकथा संभवती हिता नृणाम जुषताम प्रपु न्यघम वो महाभाग्यशाली होता है जिसे ऐसे संतों का संग प्राप्त हो जाए जब संतों का संग प्राप्त होता है तो सुंदर सुंदर भगवान की वार्ता सुनने को मिलती है शास्त्र सिद्धांत अनुभव गम्य वचन संतों की बातें उनके जब शब्द कान में जाते हैं तो हृदय के पापों का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित करते हैं आपुन माने जितने पाप हैं उनका नाश ये जो आप शब्द सुन रहे हो ये अंदर जाकर आपके हृदय को धुल रहे हैं पवित्र कर रहे हैं हनुमोदी चाद्रता मतपरा श्रद्धान भक्तिम विन्दंती ते मई जो मेरे संतों के पास बैठकर मेरी बात सुनते मेरी कथा सुनते हैं मेरी नाम महिमा गुण महिमा गाते सुनते हैं उनके हृदय में मेरी प्रेम भक्ति जागृत हो जाती है भक्तिम लब्धवता साधो किमन्यद वशिष्य मई अनंत गुणे ब्रह्मण्या आनंदानुभा जिस समय मेरी भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है तो मेरे अनंत गुण उसमें आ जाते हैं भागवती गुण वो आनंद में निरंतर डूबा रहता है उसी ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है अब बोलो इसको क्या मिलना बाकी रह गया यथोपश्रयमाणस भगवंतम विभावशु शीतम भयम तमोपेति साधून संसेव तस्तथा जैसे विभावशु भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने से शीत भय अंधकार नष्ट हो जाता है ऐसे संतों का सानिध्य करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं दुख देने वाले जो भयावा महान कर्म वो नष्ट हो जाते हैं अज्ञान नष्ट हो जाता है निमज्ज्योन्म्जताम घोरे भवाब्ध परमायनम संतो ब्रह्मविदा शांता नौर दृढ़ वापस मज्जताम जैसे जल में डूबकर मरने वाले के लिए एकमात्र नौका सहारा है ऐसे ही भव समुद्र से बचाने के लिए एकमात्र ये शांत भगवत प्रेमी महात्मा ही नौका के समान है इसलिए ऐसे संतों का संग करते हुए कुशंग से बच करके अपने को भगवत मार्ग में बहुत छोटा समझकर चलो बड़े कृपा पात्र हैं जिनको सदैव बना रहता है कि मैं अपने हृदय की बात को जानता हूं कि मैं क्या हूं सही पूछो तो किस बात का अभिमान करें मेरी कुछ यही समझ में नहीं आता किस बात का अभिमान करें मेरे प्रभु ना चाहे तो एक श्वास भी नहीं ले सकते हम फिर ये साधना ये तपस्या ये ज्ञान विज्ञान ये तो सब करार है प्रभु इसलिए हो रहा है अपनी सामर्थ्य तो एक श्वास लेने की भी नहीं है अगर अभी प्रभु रोक दे तो एक श्वास भी नहीं ले सकते काहे अभिमान दैन्य भाव से रहो सब में प्रभु ऐसी भावना करो जब कोई तुम्हारी बड़ाई करने लगे तो तुम अंदर ही अंदर संकुचित हो जाओ जलने लगो कि आज कोई अपराध बन गया जो मेरी कोई बड़ाई कर रहा है ये बड़ाई विष है यह अमृत नहीं है अपमान और निंदा ये अमृत है उल्टा संसार समझता है वो बड़ाई सम्मान को अमृत समझता है पर अध्यात्म मार्ग का पथिक अपमान निंदा को अमृत समझता है सम्मानम कल्याति घोर गर्म नीचा अपमानम शुा इसलिए सावधान होकर चलो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बना लो हठी स्वभाव बना लो प्रभु से भी अब और किसी वस्तु में राजी नहीं होना केवल प्रभु चाहे प्रभु से भी अट करना है जो चाहो खूब कष्ट दे दो पर आप आपकी जगह दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए ये कृपा करो हमारा हृदय ऐसा हो जाए कि आपके सिवा और को चाहे ना जैसे जीवन चाहो वैसे जिलाओ आप स्वामी हो आपके प्रत्येक विधान को मंगल में मानते हुए आपके चरणों तक पहुंच जाओ ऐसी बुद्धि दीजिए ऐसा भजन दीजिए ऐसा संग दीजिए ऐसी प्रार्थना करते रहो श्री राधा वल्लभ लाल लिखे